जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने उप निर्वाचन के संबंध में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 29 कुंदर की विधानसभा उपचुनाव उप निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आयोग द्वारा निर्वाचन के घोषणा पत्र के साथ ही जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दौरान उप निर्वाचन की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। चुनाव की घोषणा हो गई, जो निर्वाचन की जो अधिसूचना है वो 18/10 को जारी की जाएगी हमारे जो ACM फर्स्ट है, जो RO के रूप में इसमें कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा। उसके बाद नाम निर्देशन जो है वो 25 तारीख तक लिया जाएगा, जिसका स्थल जो है वो हमारे कलेक्ट्रेट में जो जिलाधिकारी न्यायालय है वो रहेगा। इसके बाद नाम वापसी का दिनांक 30 तारीख तक रहेगा, 30/10 तक नाम वापसी की जा सकेगी और मतदान 13 नवंबर को संपादित किया जाएगा और गिनती 23 तारीख को की जाएगी। कितने वोटर्स हैं? टोटल हमारे 383,488 वोटर्स हैं, जिसमें 207,990 पुरुष हैं और 175,485 महिला हैं और 13 हमारे ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। देखिए, जो पूर्व से जो व्यवस्था है, हम लोगों ने अपने बूथ पे जो AMF की जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान रखा है कि सारी व्यवस्थाएं रहे, वहाँ पे व्हीलचेयर रहे, वहाँ पे रैंप रहे, जिससे कि हमारे जो दिव्यांग मतदाता हैं वो बूथ पे आके वोट दे सके, या हमारे अगर कोई बुज़ुर्ग मतदाता है तो उनके लिए भी व्हीलचेयर इत्यादि की सुविधा रहेगी। लेकिन जो इन सब के बावजूद भी अगर कोई नहीं कर पाते हैं तो मुरादाबाद से रिहान अंसारी की रिपोर्ट।